हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे RBSC की 8वीं क्लास की संस्कृत की बुक रंजनी का सेकंड चैप्टर विद्या या बुद्धि उत्तमः। इसका अर्थ होता है विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है, विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। प्रस्तुतः पाठा विष्णु शर्मणः विरचितात् पंचतंत्रात् कथा ग्रंथात् उद्धृता। प्रस्तुत पाठा, प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मणः विरचितात् विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्रात् कथा ग्रंथात्। कथा ग्रंथ पंचतंत्र से उद्धृता उद्धृत है लिया गया है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित कथा ग्रंथ पंचतंत्र से उद्धृत है। अस्याम कथायाम ब्राह्मण बालकानाम माध्यमेन विद्याया अपेक्षया बुद्धे श्रेष्ठता संपादिता। अस्याम कथायाम, इस कथा में ब्राह्मण बालकानाम माध्यमेन, ब्राह्मण बालकों के माध्यम से विद्याया अपेक्षया बुद्धे श्रेष्ठता संपादिता। विद्या की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता को संपादित किया गया है, दर्शाया गया है। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि विष्णु शर्मा द्वारा विरचित कथा ग्रंथ पंचतंत्र से उद्धृत है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा विरचित या रचित कथा ग्रंथ पंचतंत्र से उद्धृत है। इस कथा में ब्राह्मण बालकों के माध्यम से विद्या की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता को दर्शाया गया है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि कस्मिंश्चित ग्रामे चत्वारो ब्राह्मण पुत्रः परस्परं मित्र भावेन वसन्ति स्म। कश्चिमश्चित ग्रामे, किसी गांव में चत्वारो ब्राह्मण पुत्रः, चार ब्राह्मण पुत्र परस्परम आपस में मित्र भावेन वसन्ति स्म, मित्रता के साथ रहते थे, मित्रता भाव से रहते थे। किसी गांव में चार ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रता के साथ रहते थे। चतुर्षु त्रयः शास्त्र पारंगतः परंतु बुद्धि रहिता। चतुर्षु त्रयः, चार में से तीन, शास्त्र पारंगतः, शास्त्रों के विद्वान, शास्त्र में पारंगत परंतु बुद्धि रहिता, परंतु बुद्धि से रहित थे। चार में से तीन शास्त्रों के विद्वान परंतु बुद्धि से रहित थे। एकस्तु बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुखा। एक था, कैसा था वो? बुद्धिमान था किंतु शास्त्र से विमुख था, शास्त्र से उसको शास्त्र नहीं पता थे क्या है। एकस्तु बुद्धिमान, एक बुद्धिमान था किंतु शास्त्र विमुखा, किंतु शास्त्र से विमुख था। ते कदाचित मंत्रणाम अकुर्वन, उन्होंने कभी क्या किया? मंत्रणाम अकुर्वन, सलाह की, सलाह करने लगे। वे किसी समय सलाह करने लगे, यदि विदेशम गत्वा प्रभूतम धनम न अर्जयाम तहर विद्याया किम प्रयोजनम। यदि विदेशम गत्वा, यदि विदेश में जाकर प्रभूतम धनम न अर्जयान, प्रभूतम अधिक धनम न अर्जयाम, धन अर्जित नहीं करें, तहर विद्याया किम प्रयोजनम, तो विद्या से क्या प्रयोजन, क्या लाभ। तत् पूर्व देशम गच्छामा, इसलिए पूर्व के देश में जाते हैं। तो यहाँ तक क्या बताया गया, किसी गांव में चार ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रता के साथ रहते थे। चार में से तीन शास्त्रों के विद्वान परंतु बुद्धि से रहित थे। एक था तो विद्वान किंतु शास्त्र से विमुख था। वे किसी समय सलाह करने लगे, यदि विदेश में जाकर बहुत अधिक धन अर्जित नहीं करें तो विद्या से क्या लाभ, इसलिए पूर्व के देश में जाते हैं। तो आगे क्या कहा गया, एवं किंचित मार्गम गत्ते तेषु ज्येष्ठतरः अवत अहो, एवं किंचित मार्गम गते, इस प्रकार रास्ते में, किंचित मार्गम गते कुछ दूर जाने पर, तेषु उनमें से ज्येष्ठतरः अवत बड़ा पुत्र बोला। इस प्रकार रास्ते में कुछ दूर जाने पर उनमें से बड़ा पुत्र बोला, अहो अरे अस्मासु एक अशिक्षिता केवलम अस्ति बुद्धिमान, हमारे में से एक अशिक्षित है केवल बुद्धिमान है। नाचा राज प्रतिग्रोह बुद्धि बलेन प्राप्यस्यति विद्याम बिना, और राजा के द्वारा, राज प्रतिग्रह राजा के द्वारा दिया गया दान बुद्धि बलेन प्राप्यस्यति विद्याम बिना,
केवल बुद्धि के बल से प्राप्त नहीं होगा विद्या के बिना। तो और राजा के द्वारा दिया गया दान विद्या के बिना केवल बुद्धि के बल से प्राप्त नहीं होगा। अतः अस्मै स्व उपार्जितम धनम ना दास्यामि। इसलिए मैं क्या करूँगा, अतः अस्मै स्व उपार्जितम धनम ना दास्यामि, इसलिए इसको मैं अपने अर्जित धन को नहीं दूंगा। अतः अस्मै स्व उपार्जितम धनम, इसलिए इसको स्व उपार्जितम धनम माने अपने द्वारा कमाया हुआ धन, अपने द्वारा अर्जित किया हुआ धन ना दास्यामि, नहीं दूंगा। तुम स्वगृहं गच्छ यतस्तते विद्या ना अस्ति, तुम अपने घर जाओ क्योंकि तेरे में विद्या नहीं है। तथा द्वितीया अवदत्त, तो दूसरा बोला भो सुबुद्धे, तो दूसरे ने क्या कहा, हे सुबुद्धि तुम स्वगृहं गच्छ यतस्त्वं विद्या रहिता असि, तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम विद्या से रहित हो। तुम स्वगृहं गच्छ, तुम अपने घर जाओ, यतस्त्वं विद्या रहितम असि, क्योंकि तुम विद्या से रहित हो। तथा तृतीयेन उक्तम, इसके बाद तीसरे ने कहा, अहो अरे न उचितम एवं कर्तुम यतो ही वयम बाल्यकालाद एव एकत्र क्रीडिता। तो तीसरे ने क्या कहा, अहो न उचितम, अरे ऐसा करना ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। यतो ही वयम बाल्यकालाद एव एकत्र क्रीडिता, क्योंकि हम सब बचपन से ही, बाल्यकालाद एव माने बचपन से ही, एकत्र क्रीडिता एक साथ खेले हैं। अतः आगच्छतु महानुभावा, इसलिए आइए महानुभाव, भवान अस्मद उपार्जितस्य वित्तस्य संभावी भविष्यति। भवान आप अस्मद उपार्जितस्य, हमारे द्वारा अर्जित वित्तस्य माने धन, संभागी भविष्यति, समान भागीदार होंगे। आप हमारे द्वारा अर्जित धन के समान भागीदार होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया, इस प्रकार रास्ते में कुछ दूर जाने पर उनमें से बड़ा पुत्र बोला, अरे हमारे में से एक अशिक्षित है, केवल बुद्धिमान है, और राजा के द्वारा दिया गया दान विद्या के बिना केवल बुद्धि के बल से प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसको मैं अपने अर्जित धन को नहीं दूंगा। तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारे में विद्या नहीं है। इसके बाद दूसरा बोला, हे सुबुद्धि तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम विद्या से रहित हो। इसके बाद तीसरे ने कहा, अरे ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम सब बचपन से ही एक साथ खेले हैं। इसलिए आइए महानुभाव, आप हमारे द्वारा अर्जित धन के समान भागीदार होंगे, संभावी माने समान भागीदार होंगे। तथा कृते ते मार्गे अरण्यस्य अन्तः कतिचिद् अस्थीनि अपश्यन्। तथा कृते, वैसा करने पर, ते मार्गे, उन्होंने रास्ते में, अरण्यस्य अन्तः जंगल के अंदर, कतिचिद् अस्थीनि अपश्यन् कुछ हड्डियों को देखा। वैसा करने पर उन्होंने रास्ते में जंगल के अंदर कुछ हड्डियों को देखा। तथा एकेन उक्तम, अहो अद्य विद्या प्रत्याह कर्तव्या। तथा एकेन उक्तम, तब उनमें से एक ने कहा, इसके बाद एक ने कहा, अहो अरे अद्य विद्या प्रत्याह कर्तव्या, आज तो विद्या की परीक्षा करनी चाहिए। किंचित सत्वम एतल मृतम तिष्ठति, यह कोई प्राणी मरा हुआ पड़ा है। तद विद्या प्रभावयन जीवन सहितम कुर्वा, इसलिए विद्या के प्रभाव से इसे जीवित कुर्मा, जीवन जीवन सहितम कुर्मा, जीवित करते हैं, इसलिए विद्या के प्रभाव से इसे जीवित करते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। तथा तन उत्सुकतया अस्थि संचया कृतः, तब उसने उत्सुकता से हड्डियों को एकत्रित किया। तथा तेन उत्सुकतया अस्थि संचया कृतः, तब उसने उत्सुकता से हड्डियों को एकत्रित किया। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि वैसा करने पर उन्होंने रास्ते में जंगल के अंदर कुछ हड्डियों को देखा। इसके बाद एक ने कहा, अरे आज तो विद्या की परीक्षा करनी चाहिए, यह कोई प्राणी मरा हुआ पड़ा है, इसलिए विद्या के प्रभाव से इसे जीवित करते हैं। मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूँ, तब उसने उत्सुकता से हड्डियों को एकत्रित किया।
द्वितीयेन क्रमशः चर्म मास रुद्रम च संयोजितम्। दूसरे ने क्रमशः चर्म मास रुद्रम च चमड़ी मास और रुधिर संयोजितम संयोजित किया। दूसरे ने क्रमशः चमड़ी मास और रुधिर संयोजित किया। तृतीय अपि यावत जीवनम संचारयति। तीसरा भी यावत जीवनम, जैसे ही जीवन का संचारयति, संचार करने लगा। तीसरा भी जैसे ही उसमें जीवन का संचार करने लगा, तावत सुबुद्धि निषेधित बान। तावत तभी सुबुद्धि निषेधित बान, सुबुद्धि ने मना कर दिया। अवदच्चा और बोला, भो तिष्ठतु भवान, आप रुको भवान, आप तिष्ठतु माने रुको, भो तिष्ठतु भवान, अरे आप रुको। एषा सिंहा रच्यते, यह सिंह बनाया जा रहा है, शेर बनाया जा रहा है। यदि एनम सजीवम करिष्यति, यदि इसे जीवित करोगे। चा एत अयम निश्चयेन सर्वान अपि खादिष्यति, तो यह अवश्य ही सभी को खा जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, दूसरे ने क्रमशः चमड़ी मांस और रुधिर को संयोजित कर दिया। तीसरा भी जैसे ही उसमें प्राणों का संचार करने लगा, तभी सुबुद्धि ने मना कर दिया और बोला, अरे आप रुको, यह सिंह बनाया जा रहा है, यदि इसे जीवित करोगे तो यह अवश्य ही सभी को खा जाएगा। सह अकथयत, उसने कहा, धिक मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, तुश्रीम भव, चुप रहो, अहम विद्याम विफलाम न करोमि, मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा। संप्रति इस समय मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा। तेन बुद्धिमता उक्तम, तेन बुद्धिमता उक्तम, उस बुद्धिमान ने कहा। तरहि प्रतीक्षाम कुरु क्षणम यावत अहम वृक्षम आरोहामि, तब तो क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, आरोहामी चढ़ जाता हूँ। तथा चरितम यावत् सः सजीवा कृतः, तावत् ते त्रयः अपि सिंहेन उत्थाय मारता। तथा चरितम, वैसा करने पर, यावत् जैसे ही सः उसने सजीवा कृतः उसे जीवित किया, तावत् ते त्रयः अपि सिंहेन वैसे ही सिंह ने उत्थाय उठकर मारता, मार दिया। किसको, तीनों ब्राह्मण पुत्रों को। वैसा करने पर जैसे ही उसने उसे जीवित किया, वैसे ही सिंह ने उठकर उन तीनों को मार दिया। सह पुनः वृक्षाद अवतीर्य गृहम गतः, सह पुनः वृक्षाद अवतीर्य, सह वह पुनः फिर से वृक्षाद अवतीर्य पेड़ से उतरकर गृहम गता, घर चला गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया, उसने कहा, धिक्कार है मूर्ख, चुप रहो, मैं इस समय अपनी विद्या को विफल नहीं करूंगा। उस बुद्धिमान ने कहा, तब तो क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। वैसा करने पर जैसे ही उसने उसे जीवित किया, वैसे ही सिंह ने उठकर उन तीनों को मार दिया। वह पुनः फिर से वृक्ष से उतरकर गृहम गता, घर चला गया। तो क्या कहा गया, अथा एवं उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है, इसलिए कहा गया है, अतः एवं, इसलिए एवं ही उच्यते माने कहा गया है, इसलिए ही कहा गया है। वरम बुद्धिर्ना सा विद्या, विद्याया बुद्धि उत्तमः, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारकः। वरम बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, ना सा विद्या, वह विद्या नहीं। विद्याया बुद्धि उत्तमः, विद्याया विद्या से बुद्धि उत्तमा, बुद्धि उत्तम है, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, वह विद्या नहीं, विद्या की अपेक्षा बुद्धि उत्तम है। बुद्धि ही न विनश्यंती, बुद्धि से रहित, विनश्यंती माने विनाश को प्राप्त होता है, बुद्धि से रहित उसी प्रकार विनाश को प्राप्त होता है, यथा जैसे ते सिंहकार कहा, ते सिंहकार का जैसे वे सिंह का निर्माण करने वाले कौन, तीनों ब्राह्मण पुत्र क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए। ये अपने आप लिख देंगे ब्रैकेट में। तो बुद्धि श्रेष्ठ होती है, वह विद्या नहीं, विद्या की अपेक्षा बुद्धि उत्तम है। बुद्धि से रहित मनुष्य क्या होता है, उसी प्रकार विनाश को प्राप्त होता है। बुद्धि हीना विनश्यंती, बुद्धि से हीन विनाश को प्राप्त होता है, कैसे, यथा ते सिंह कार का, जैसे वे सिंह का निर्माण करने वाले। तो बुद्धि से रहित
उसी प्रकार विनाश को प्राप्त तो होता है जैसे वे सिंह का निर्माण करने वाले, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, तीनों ब्राह्मण पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया, और इस चैप्टर में यही बताया गया है, आप कितना भी पढ़ लिख जाएं लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो जो हमारा पढ़ना लिखना है वो सारा बेकार हो जाता है। तो सही समय पर हमें सही निर्णय लेना चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।